हमीरपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 150वीं जयंती बीजेपी द्वारा धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इसी कड़ी में हमीरपुर में विधायक नरेंद्र ठाकुर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर फूल मालाएं अर्पित करके उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान का भी आगाज किया गया, जिसके तहत स्वच्छता को बनाए रखने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर मंडला अध्यक्ष बलदेव धीमान, वेद भारद्वाज, विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेकर स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जयंती के अवसर पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि सफाई को बरकरार रखने के लिए आगे आएं, ताकि देश को स्वच्छ बनाया जा सके। मैं पंडित दीनदयाल जी की जयंती मनाई जा रही है, और जैसा आप सभी जानते हैं कि आज अगर हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो जिसकी फाउंडेशन जो थी वो पंडित दीनदयाल जी ने जनसंघ के रूप में रखी थी, और उन्हीं की सोच के ऊपर हमारी पार्टी आगे बढ़ी, और जो उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया था उस पर चलते हुए आज देश में तो हमारा शासन है ही है, बल्कि लगभग 90% स्टेट्स में भी भारतीय जनता पार्टी के अपने मुख्यमंत्री हैं, और उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारे माननीय मोदी जी का जो जैसी सत्ता उन्होंने संभाली थी, तो उन्होंने पूरे देश को एक संदेश दिया था कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश स्वच्छ रहे, साफ रहे, हमारे लोग जो हैं उनसे बीमारी दूर जाए, वो निरोगी रहे, तो सफाई के ऊपर विशेष ध्यान हमें देना होगा। तो आज इन्हीं जयंती के इस अवसर पर आज हम पूरे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक संदेश भी देना दे रहे हैं, बतौर सफाई अभियान करके वो अपना घर द्वार और अपना मोहल्ला जो है सभी साफ रखें। इसी के रूप में हम आज जयंती को सफाई अभियान के रूप में भी मनाया जा रहा है।